Acaba? Hadi. Dolabıma da bütün. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ تو اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے، اپنے مہمان میں رکھے۔ تو آپ نے میرے قید کا گھر دیکھا، یہ چھوٹا سا میں نے بنایا، یہ ساری رات اس کے اندر رہتی ہے اور یہ دن کو بھی کھانا کھا جاتی ہے، اب اس نے سونا تو اس کے اندر خود ہی گھس جاتی ہے سونے کے لیے، تو ٹھنڈ سے یہ بچی رہتی ہے۔ دو رہ گئی ہیں، باقی تو مر گئی ہیں ٹھنڈ سے، کہ پتہ نہیں کیا۔ یہ اوپر نہیں آ رہی ہے، ان کا پانی بھی چینج کرنا ہے نا۔ چلو میں آپ کو ہی دیتی ہوں، یہ لو، بس یہ ڈال دو، ڈال دو فش کو۔ چلو یہ خود ہی کھا لیں گے اب آ کر اوپر، تبھی اوپر جا کے پرندے کھولتے ہیں، ان کو بھی کھانا دیں۔ اما ٹھنڈا ہو گیا اس کا پانی، نہیں وہ بھی جب موٹر چلے گی نا تازہ پانی چینج کریں گے۔ چلو بھائی تو آپ آرام سے یہاں کھانا کھاؤ، میں اوپر دیکھاتی ہوں، کسی کو نقصان نہ کرنا۔ نہیں یہ نہیں کرنا، پھر میں کر دوں گی بند اس میں۔ نہیں خود ہی سے کوئی شکایت کرنا چیلنج کو، ورنہ ماں آ کے آپ کو کھا جائے گی۔ چلو آؤ اٹھو دعا فاطمہ، اپنے پیرنٹ کو دیتی ہوں۔ جی ایسے اپنے پرندوں کو ساروں کو دیکھ کے رکھی، ٹھنڈ کی وجہ سے بچے رہے، تو وہاں بھی ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں سے کھول کے تاکہ میں کھانا کھا لوں۔ ابھی میں نے آپ کو نہیں کھولنا، بالکل ساری اپنی شرٹ گری ہوں۔
करने की एंड इनको निकालना है, इनको भी दाना ऊपर देना है। फातमा यहाँ पे खिलाओ, गोद में उठाए रखती हो आप, यहाँ रख दो, पहले वाली मोटो भी इसी तरह ही मर गई। खिलो, आ आ आ इधर साइड भेजो, हमको आने दो ना इधर, ये लो आ जाओ उधर से ला। इधर आई पहन अपनी जर्सी, वो पहले वाली गिल्ली कर दी सारी। कौन से मम्मा से? वो गिल्ली कर दी। तो पहले मैंने अपने ये चकोर का आपको दिखाया था, वो वाला मैंने केक तैयार किया था कि उसके अंदर इनको मैं डालूंगी, लेकिन ना जब तक ये खुलते नहीं तो छत पे रौनक नहीं होती। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से काटे हैं ताकि ये दीवारों के ऊपर ना जाए, ऐसे खुले फिरे।
तो ये दिन में इतने अच्छे लगते हैं, सीढ़ियों में आते जाते ट्रैफिक है, टूं टूं करती जाते गाड़ियाँ आ रही हैं, पता चल जाता है इनके हारन से कि चकोर नीचे आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, छत पे खुले ऐसे परिंदे फिरते हो, कैद करके रखने से तो दिल भी खराब होता है। वो देखो वो आत्मा ऐसे दाना नहीं बेटी जाया करते, फिर ये गंदा हो जाएगा, ये खाते ही नहीं है। जब ये फिनिश कर लेंगे फिर इनको डालेंगे, उस खाने में डाले उधर एक कोने में घुस। चुप हो जरा, ले क्या इसको मान, वो जो तीन नीचे पड़ी है ना केज में बीमार मुर्गी, उनको लेकर आओ। ये दुआ फातिमा कहाँ पे है? अब तो ये मेरे बर्ड ना ठंड की वजह से ना कुछ बीमार भी हुए थे और कुछ मर भी गए हैं, तो ये दो माह गुजर जाए इसके बाद मैं फिर और लेकर आऊँगी, पीकॉक मंगवाऊँगी। वो भी मेरे ये जो आई थी ना रानी खेत की बीमारी, तो उसकी वजह से मेरे दो पीकॉक तुर्की और रैबिट और कुछ हैंज इन पे हमला हुआ, तो वो नहीं पता। ठंड में परिंदों की केयर करना तो होती है, लेकिन ये फिर इतनी ज़्यादा करेंगी तो ये मुश्किल से बचते हैं, नहीं बचते। अब ये तीन है, इनको पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, इनको मैं अलग ही दाना देती हूँ। किसी को आँख की आँख का मसला होता है, किसी को टांग का मसला हो जाता है, इसको पता नहीं बेचारी को क्या मसला। अच्छे भले ये अंडे देती थी तो टांगों से नीचे खड़ा होया जाता, बाकी खा पी ठीक तरह से रही है। और ये तो पता नहीं कब से इस तरह की हालत में है, इसका तो वजन भी कम हो रहा है, तीन चार दिन हो गया सही नहीं हो रही, इसका मुंह भी देख तो सारी सोज आ गई है इसके ऊपर, इसको पता नहीं कौन सी बीमारियाँ, आइस भी इसकी नहीं खुल रही। इसको मैं इसमें अलहदा ही दाना देती हूँ, अगर इसने खा लिया तो खा तक ना ये। चलो चलो आप क्यों खा रही हो इधर, चलो उधर डाला है ना, उधर जाके खाओ इसे। चलो इसको लैदा ऊपर उधर बिठा के देखती हूँ, ताकि दूसरी मुर्गियाँ ना इसका दाना खाएं। इधर आओ, आपको भी उसके पास बिठा के आती हूँ, दाना तो खाओ ना। आपको मैंने नीचे दाना दिया था ना, ये तो थोड़ा सा ये खा लो, इनको ना देखो। फिनिश कर भी लिया दाना, ये लो अब बस और नहीं मिलना, अब दोपहर को दूंगी मैं। चलो धूप ही चली गई, गोट को नीचे ले जाएं कमरे में, हैं दवा फातिमा कौन करी है, इनको नीचे कमरे में देते हैं। बाकी उनकी तो खैर है, वो तो खुद ही आ जाएंगे अगर उनको ठंड में कुछ। और वो किधर है दवा फातिमा, उनको नहीं आपने खोला? वो जिसको इनके अंदर डाल दें ताकि ये अंदर खा लें, वो सारा चकोर साफ हो कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और मेरा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर याद रखा करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया।